इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, ठीक है? कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है? इसमें आप समझिएगा, कांस्टेंट का मतलब तो आपको पता है कि जिसका वैल्यू फिक्स हो। तो कांस्टेंट वेरिएबल भी एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। किस समय नहीं चेंज कीजिएगा, जिस समय हम लोग प्रोग्राम को रन करवाएंगे ना, उस समय हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे कि कांस्टेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल, ये क्या होता है, वेरिएबल जिसका वैल्यू whose value cannot be changed, चेंज नहीं किया जा सकता है। किस समय? ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, जिस समय आपका प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा, उस समय आप कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आपको कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो इसका एक अलग कीवर्ड होता है जो आपको यूज करना होगा। तो इसी में हम लोग लिख देते हैं इट्स कीवर्ड इज कॉन्स्ट। इसका कीवर्ड क्या होता है, कॉन्स्ट। ये सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कॉन्स्ट लिखा हो। जैसे इसका आप सिंटेक्स देखोगे, जब भी आप सिंटेक्स बनाओगे तो सिंटेक्स इसका ये हो जाएगा कि पहले आपको लिखना होगा कॉन्स्ट, ठीक है, और उसके बाद लिखना होगा डेटा टाइप। क्लियर है? और वैर नेम, जो भी आपका वैर नेम होगा, और उसके बाद वैल्यू, आप जो भी 10, 20, 30 जो भी आप डालिए, ये आपका सिंटेक्स होगा। इसी को अगर आप एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल कॉन्स्ट आपका रहेगा क्योंकि ये फिक्स डेटा टाइप है, आपका वेरिएबल तभी कॉन्स्टेंट बनेगा जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इंट आपका डेटा टाइप, ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट रहेगा। इंट आपका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, आपने ए लिखा तो ए आपका हो गया वेरिएबल नेम, इक्वल टू और वैल्यू डाल दीजिए 10 वैल्यू डाल, ये आपका क्या हो गया वैल्यू, ये हुआ आपका एग्जांपल। अब आप चाहोगे कि ए का वैल्यू हम लोग चेंज करें तो नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं ए अगर वेरिएबल है तो ए में हम लोग 20 स्टोर कर देंगे तो क्या होगा, नहीं स्टोर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं, कॉन्स्ट। अगर आप कॉन्स्ट नहीं यूज करते हैं तो फिर आप चेंज कर सकते हैं इसका, फिर चेंज हो जाए। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिए तो इसका नहीं कर सकते, समझ में आया? तो ये है कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टेंट क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बनाने के लिए। कॉन्स्टेंट क्यों यूज किया जाता है, वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बनाने के लिए। अब आपको आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लिख रहे हैं तो क्या हम लोग पूरा नाम क्यों ना लिख दें, पूरा नाम लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा। ये फिक्स वर्ड है और यही वर्ड आपको यूज करना है कंप्यूटर में, तभी आपका वेरिएबल कॉन्स्टेंट बनेगा। मीन्स अगर आपको कॉन्स्टेंट बनाना है तो कॉन्स्ट कीवर्ड ही यूज करना होगा, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन देख लोगे जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक साइड आप कॉन्स्ट का कॉलम बनाइएगा कॉन्स्टेंट का, ठीक है, और नेक्स्ट फाइल आप वेरिएबल के लिए बनाइए। सिंपल वेरिएबल, कॉन्स्टेंट भी एक नाम है, जैसे 10, 20, 30, 40 जो भी वैल्यू है वो वैल्यू एक कॉन्स्टेंट है। तो क्या वो एक नाम है कि नहीं, वो भी नाम है। वेरिएबल जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब लेते हैं, ये भी एक नाम। तो नाम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर पढ़ा है। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि कॉन्स्टेंट इज एन आइडेंटिफायर मीन्स नेम। आइडेंटिफायर को क्या बोला जाता है, नेम। क्लियर है? कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसी में ऐड कर देंगे whose value
वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड चेंज्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम प्रोग्राम रन। जिस समय आपका प्रोग्राम रन करेगा उस समय हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कांसेप्ट? इसमें भी हम लोग सेम सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर वन ही होगा ना, वन, कि वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर होता है जिसको आप नेम बोलते हो, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे वेरिएबल वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। क्लियर? आइडेंटिफायर, या फिर आप इसी में लिख सकते हो नेम। वेरिएबल क्या होता है? नेम होता है। क्लियर है? इसका वैल्यू जिसका वैल्यू क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। हूज वैल्यू कैन बी चेंज्ड चेंज्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम प्रोग्राम रन। जिस समय आप प्रोग्राम को रन करवाइएगा उस समय आप कांस्टेंट का वैल्यू क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, कांस्टेंट कभी भी होगा तो वो एक वैल्यू टाइप होगा, जैसे 10, 20, 30, 40, ये सब कांस्टेंट होगा। लेकिन वेरिएबल जो आपका होगा वो सैंपल होगा, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड है ना, अंडरस्कोर, ये सब सब क्या है? सैंपल। तो वेरिएबल सैंपल के फॉर्म में होगा, जबकि कांस्टेंट आपका जो है वो वैल्यू के फॉर्म में होगा। तो सिंपल लिख देते हैं, कांस्टेंट इज टाइप ऑफ वैल्यू। किसके रूप में होगा? किसके टाइप में होगा? वैल्यू के टाइप में होगा। जबकि आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल इज टाइप ऑफ सैंपल। किसके टाइप में होगा? सैंपल के टाइप में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी में आप लिखते थर्ड पॉइंट, आप ये लिख सकते हो कि आपका जो कांस्टेंट है उसमें आप डायनेमिक इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। डायनेमिक मतलब जैसे ए में वैल्यू 10 रखे आपने, तो ये अगर कांस्टेंट है, ए आपका अगर कांस्टेंट वेरिएबल है, तो ए में आप 20 नहीं रख सकते उसी समय। तो ये हुआ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, मींस वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है? तो हम लोग इस पे क्या लिखेंगे? सिंपल कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। किसमें? कांस्टेंट। तो लिख देते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल इन कांस्टेंट। कांस्टेंट में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि वेरिएबल में पॉसिबल है। तो सिंपल इसी में लिख देंगे नंबर थ्री, डायनेमिक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल, या फिर आप कर सकते हो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है? सिंपल लिख देते इज पॉसिबल इन वेरिएबल। वेरिएबल में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ठीक है? तो हम लोग का ये पॉइंट था, आपको समझ में आया कांस्टेंट कीवर्ड का भी यूज करेंगे जब वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है। क्लियर है? कांस्टेंट वेरिएबल सिंपल लिखें, कांस्टेंट वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है। किस समय? जिस समय आप प्रोग्राम को रन करते हो। क्लियर है? और कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? कांस्ट कीवर्ड यूज करते हैं, या आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है? ये उसका सिंटैक्स हुआ और ये निशान हुआ। आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। कांस्टेंट भी एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है और वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि कांस्टेंट कभी भी होगा तो वैल्यू टाइप में होगा, जबकि वेरिएबल जो आपका वो सैंपल टाइप में होगा। जैसे कांस्टेंट वैल्यू टाइप में कहने का मतलब क्या होगा? 10 20 30 40 इस तरह का होगा वैल्यू। क्लियर? वेरिएबल आपका सैंपल में होगा, अंडरस्कोर भी ले सकते हैं आप, एबीसीडी भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं।
तो ये सब आपका वेरिएबल होगा जिसको आप सेव कर रहे हो, ठीक है। और कांस्टेंट में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि वेरिएबल में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर है कांसेप्ट? ठीक है, थैंक यू।